जनाब, 13 दिन पहले मैं निकला लाहौर से और पिछले 12 एपिसोड में आपने मेरा जर्नी देखा साउथ पंजाब का, और फिर पूरे सिंध को एक्सप्लोर करते हुए पहुंच गया मैं कराची। तो आज शुरू होने वाला है अपना बलूचिस्तान का सफर, और मकरान कोस्टल हाईवे से होते हुए जाऊंगा गवादर और फिर ईरान बॉर्डर तक। तो सुबह तकरीबन 5 बजे मैं निकल पड़ा गुलिस्ताने जौहर से, और रोड्स पे कम ट्रैफिक का फायदा उठाते हुए फजर से पहले ही मैंने कराची से एग्जिट कर लिया। तो जनाब, गुड बाय कराची का बोर्ड आ गया है और बलूचिस्तान में जनाब हम एंटर हो गए, साउथ बलूचिस्तान। इनफैक्ट दिस इज बाबे बलूचिस्तान, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन बलूचिस्तान। कराची एग्जिट करने के बाद मैंने एक ट्रक होटल पे ब्रेक लगाई ताकि नाश्ता सीन कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, कैसे हो? ठीक ठाक हो? पराठे शराठे लग रहे हैं फुल टाइम? हाँ अच्छा, ऐसा करो कि ऑयल के बगैर क्रिस्पी क्रिस्पी सा, हल्की आंच पे रेडी करो प्रसाद। अंडा है? ठीक है, 2 अंडे बना दो, मैं तो इधर नमाज पढ़ लेता हूँ उधर। ठीक है, आप रेडी करो। ठीक है, ये सही बलों वाला हो, क्रिस्पी क्रिस्पी। जी नाश्ता करके निकल पड़ा हूँ, और एकदम देखें कैसा ज़बरदस्त है ना, वो रोशनी हो गई है। और मज़े की बात यह है कि बादल भी आज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और चीज़ जो मज़े की नज़र आ रही है वो मुझे एक बहुत ही बड़ा एक पहाड़ नज़र आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि मज़े आने वाले हैं जी। पहाड़ दोनों एक इस साइड पे और एक इस साइड पे ऐसे है जैसे किसी गेटवे के अंदर हम लोग एंटर हो रहे हो। रास्ता ऊपर नीचे हो रहा है, और ये ना माफ करे, देखें ट्राला पूरा उल्टा हुआ है साइड में। हम पहुंच गए हैं जनाब विंदर में। विंदर शहर लग रहा है यार, रोड यहाँ पे डबल हो गई है, और दोनों तरफ काफ़ी होटल शोटल खाबे शाबे टी स्टॉल्स टी हर्ट्स वगैरह आ गए हैं। काफ़ी 8:30 हो गए हैं अभी तक। अगर मैं देखूं तो मैंने 2 ब्रेक्स किए हैं, एक मैंने हाफ आवर की किया ब्रेकफास्ट की, और एक मैंने किया छोटी सी 15 मिनट की ड्रोन शॉट्स लेने की बस। जी दूर तक जो है ना बस स्ट्रेट रोड नज़र आ रही है इस वक्त, और गाड़ियां जो है ना यार बहुत ही स्पीड में गुजर रही हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि जनाब आप इस येलो पट्टी के पास बिल्कुल साथ चलाना है और इसके सीध में चलना है। पेट्रोल भरवा लेना चाहिए कि आगे जो है ना पेट्रोल की क्वालिटी होती है बड़ी गंदी, जो ईरान से आता है स्मगल होके। जनाब ब्रेक लगा लिया है, पेट्रोल शेट्रोल फिल करवा लिया, एक PSO का है और वो सामने अटक का है। ये जो 0 पॉइंट आगे आ रहा है जहाँ से हमने फिर ग्वादर की तरफ लेफ्ट टर्न ले लेना है, वहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर पहले ये आते हैं पंप्स, यहाँ से आप फ्यूल भरवा लें जितना भी भरवा सकते हैं। इसके बाद आगे जो पूरी रोड के ऊपर जो फ्यूल है वो सारा का सारा ज़रा इम्प्योर है, इम्प्योरिटीज़ के साथ है, सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह भी उसमें होते हैं, इंजन ख़राब होता है बिकॉज़ वो ईरानी सारा का सारा ऑयल आ रहा होता है वहाँ से। तो बेहतर यह है कि आप यहाँ से फिल करवा लें। जी ये इन्होंने आर्टिफिशियल बनाया हुआ है प्रिंसेस ऑफ होप। गुड यार, स्टार्ट हुई है अब जनाब मकरान कोस्टल हाईवे, और ग्वादर है जनाब यहाँ से 534 और कुंडलीर है 130 किलोमीटर। जी 1 मिनट के लिए मैंने बाइक रोकी है, आपको इस जगह की खामोशी सुकून और वीरानी दिखाने के लिए। चेक करें जनाब, ये जा रही है कोस्टल हाईवे, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ये मिट्टी के टीले बने हुए हैं, और ये सारे जो है ना हवा चलने से ही जो है ना वो डिफरेंट शेप्स में चेंज होते रहते हैं।
पता लग रहा है बाकायदा जो है ना कैसे हवा ने इनको शेप्स दी हुई हैं, कहीं पे लूज़ है कहीं पे हार्ड है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ज़्यादा झाड़ियाँ लेकिन हैं मिट्टी के टेले। चलते हैं जनाब दोबारा, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, बाइक को भी थोड़ा सा सुकून मिल गया। इतनी खाली रोड है कि बाइक मुझे पता ही नहीं चला मैं 100 की स्पीड पे ले गया। मैंने आज तक जो है ना वो 50-60 से ऊपर नहीं की बाइक अभी तक पूरे टूर में, और बाइक 100 पे जा चुकी थी और लग रहा था कि मैं जो है ना बस बड़ी आराम आराम से स्लो स्लो चला रहा हूँ बाइक। एनीवे जनाब चलते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। गुजरते गुजरते अब आ गए हैं हमारे लेफ्ट साइड पे ऊँट जो इस सहरा में चल रहे हैं, मेरे ख्याल इनके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साईं? ठीक ठाक हो? ऊँट आपके हैं? हाँ। अच्छा कहाँ रहते हो आप, कहाँ पे रहते हो? पास ही रहते हो? घर कहाँ पे है आपका? पास से देते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा आगे निकल जाते हो? अच्छा मर रहे कौन दम हेरी निकलता दम हेरी निकलता। अच्छा आगे जा ही जाते हो, आगे जा ही जाते हो। अच्छा सज्जी और पेरा 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 गर्मी है सीन। हां गर्मी है, गर्मी है एकदम मर्द मिली ना। हां हां तो कितने ऊंट है ये? सज्जी ये दुनिया है। अच्छा एक 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 की है। अच्छा 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 हां खीर ला चली आई। तो खीर पिए हैं? तो खीर पिए? तो खीर नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। खीर आए पिए? अच्छा पानी कह रहे हो? नहीं 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 बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सही। अल्लाह हाफिज़। मेरा ख्याल है ये बलोची थी ज़बान, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई, मैं तो बस अच्छा अच्छा ही कह रहा था, लेकिन आप बस फेस एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब तक जो है वो मड वॉल के ना वो आ जाना चाहिए था, इंटरनेट है नहीं कि मैं चेक कर सकूँ। ये ढाबा है, इनसे पूछते हैं। मस्जिद भी बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, ये इधर वो जो वॉल के नो आता है पहाड़ मड वाला वो जो वॉल के नो है यार, इनको आग कितना आ गया है? 3 किलोमीटर रोड पे ही नज़र आ जाता है, नीचे आएगा। ठीक है शुक्रिया। लो जी कह रहे हैं जनाब के 3 किलोमीटर आगे आएगा मड वॉल के लिए। इस खुले मैदान में ये पहाड़ों का टुकड़ा बिल्कुल वही बैलेंस करने वाली मीखें लगती हैं जिनका खुदा ने कुरान में जिक्र किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मड वॉल्केनो इधर ही है? हाँ। और वो सपट बीच भी का भी रास्ता एंड तक बना हुआ है? हाँ नहीं लिखा हुआ 10 किलोमीटर रास्ता बना हुआ है एंड तक। हाँ, रास्ता बना हुआ है। सपट तक भी बना हुआ है? सपट तक नहीं बना हुआ है। सपट तक नहीं बना हुआ? अच्छा सिर्फ मड वॉल्केनो तक बना हुआ है। तो अगर सपट जाना हो फिर क्या करूँ? मट्टी वाला फंस सकती है बाइक, रिस्क ना लूँ फिर। तो जनाब 15 किलोमीटर नहीं था, ये है बोर्ड स्पेशल लगा हुआ यहाँ पे मड वॉल के नो। इस तरफ हम जाएंगे 4 किलोमीटर है, फिर एक सपट बीच है वो 10 किलोमीटर है, देखते हैं रास्ता उसका बन गया हो या नहीं। बुज्जी को है, अगोर है और कुंड मलीर है 45 किलोमीटर। अगोर और कुंड मलीर है इस तरफ और मड वॉल के नो है इस तरफ। बस यहाँ से हमने जाना है 4 किलोमीटर, वहाँ पे 1 घंटा स्टे करूँगा और फिर वापस इधर आते हूँ। ठीक है तो टाइम हुआ है तकरीबन 12:45 और देखते हैं हम कितने बजे दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आते हैं वापस। आ जाए मेरे साथ अब यहाँ।
नॉर्मली इधर जो है वो हिंदू जो, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू आबाद है इस इलाके में, तो इधर एक हंगलाज माता का उनका वो है मंदिर, और दूसरा ये यहाँ पे मन्नत वगैरह मांगते हैं इधर जो मड वॉल के नो है उसमें आगे नारियल वगैरह फेंकते हैं। ये क्या सीन है जी, ये तो रोड हो गई है ख़त्म और फुल टाइम मट्टी आ गई है। पता नहीं ये पोर्शन है या आगे भी पूरा का पूरा ऐसा ही है, काफ़ी डीप है मट्टी यार। ओए बस अच्छा आगे आ गई है रोड। तो ये है जनाब तकरीबन 200-300 मीटर का ये पोर्शन है मट्टी वाला। शुक्र है वो है जनाब चंद्रगुप्त। वाह यार क्या जबरदस्त रोड है, ऊपर नीचे नीचे और फिर वो नीचे जा रही है, और सामने आ गया है जनाब हमारे चंद्रगुप्त। और मज़े की बात यह है कि ना बंदा है ना बंदे की जात है, कोई नज़र आ नहीं रहा रास्ते में फ़िलहाल, हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिल जाएं। यार सड़क तो आगे चली जा रही है और मड वॉल्केनो रह गया पीछे, कहीं कच्चे पे तो नहीं उतरना था। नहीं यार ये रोड जो है ना ये फिर सीधा ही जा रही है। जी जनाब मड वॉल्केनो के रास्ते का तो पता ना चला, और ड्राइव करता करता मैं 6 किलोमीटर आगे आ गया जहां रोड ख़त्म हो गई और आगे सपट नामी गांव आ गया और खूबसूरत सपट बीच। का किनारा काफी दूर था इसलिए बस ड्रोन से ही सीन कैप्चर करने के बाद मैं वापस मड वॉल्केनो का रास्ता ढूंढने आ गया। यार ये जा रहा है एक रास्ता, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये लेके कैसे जाएगा। ये गाड़ियां के निशान है और इसके आगे जाके निशान हो जाते हैं खत्म, इसके बाद कहां लेके जा रहा है। ओ सामने आया, देखते हैं आगे कोई और कट नज़र आता है तो। बैड सीन है यार, फंस ना जाए बाइक, बस मुझे ये है क्योंकि ये मिट्टी जो है ना एकदम नरम होती है। ये अब देखें ये एक उतरने का बना हुआ है। अच्छा तो ये बना हुआ है रास्ता, ओके हो गया जनाब, ओके हो गया। अब चलते हैं इस कच्चे रास्ते की तरफ। जनाब हम पहुंच गए हैं फाइनली सीढ़ियों पे और ये बैठे हुए हैं जनाब यहाँ पे बाबा जी। जनाब पहुंच गया हूँ मैं फाइनली चंद्रगुप्त वॉल्केनो पे, बड़ी मुश्किल से रास्ता ऐसे होता हुआ आया हूँ, इसलिए अकेला था इस वजह से। तो लोकदाद बाबा जी जो हैं वो मुझे यहाँ पे मिले हैं, बैठे हुए थे यहाँ पर, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने बचपन से ही देखा है इस मड वॉल्केनो को, और ये पहले बहुत छोटा हुआ करता था क्योंकि इसमें से मड निकली आ रहा है निकली आ रहा है निकली आ रहा है, तो अभी आस्ते आस्ते बढ़ा होता जा रहा है। अभी भी आप वो देखें वो फ्रेश जो है ना ऊपर से मड आ रहा है,
बिल्कुल इसी तरह आप अगर इसके सामने देखें तो ये देखेंगे एक छोटा सा, ये भी मड वॉल्केनो आ रहा है। तो वो अभी बता रहे हैं कि हमारे बचपन में ये इस तरह का हुआ करता था और इसमें से भी ये आस्ता आस्ता मड निकलता आ रहा है और ये भी जो है ना वो बड़ा होता जा रहा है। तो अब मज़े का सीन ये है कि हम चलते हैं ऊपर, जो बेसिकली जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए बड़ा मुकद्दस है, उन लोगों की अटैचमेंट है इसके साथ। तो वो लोग आते हैं अपना नारियल वगैरह जो है वो मन्नत मांग के इस पे फेंकते हैं और अगर नारियल जो है वो वापस आ जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमारी मन्नत जो है वो कबूल हो गई है। तो मज़े की बात जनाब, अब एक और मैं आपको चीज़ दिखाऊँ कि इसमें टोटल पता है कितनी सीढ़ियाँ, टोटल सीढ़ियाँ जनाब 460 स्टेयर्स हमने जाना है ऊपर। शुक्र है स्टेप्स इन्होंने छोटे छोटे बनाए हैं, वरना स्टेप्स अगर बड़े बन जाए तो बहुत ज्यादा थकावट होती है। तो ऐसे ही लग रहा है कि आप हल्की हल्की सी जो है ना वो पहाड़ी चढ़ रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 390 रह गई हैं, आज है मेरे साथ। देखने में लगता है बस ये सामने ही है लेकिन लग पता क्या, वो चक्कर वो खड़ी है बाइक छोटी सी। अच्छा मज़े की बात, अभी चाचा ने बताया कि ये दरमियान वाला पोर्शन आता है ना वहाँ पे हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, अभी भी जो है ना यहाँ पे हवा इतनी नहीं है। ऊपर जब वहाँ जाएंगी फिर दोबारा हवा जो है ना आना शुरू हो जाएगी, बेस पे भी आ रही थी। गैस की स्मेल आना शुरू हो गई है, ऑब्वियसली नीचे मीथेन गैस जो होती है वो निकल भी होती है, जो बेसिकली पानी और लिटल ऑयल और मट को मिक्स करके जो है वो ऊपर लेकर आ रही होती है अपने साथ। क्या जनाब ये फ्रेश फ्रेश आया हुआ माल नारियल इधर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा नारियल हैं इधर से आऊँ, अच्छा वो नरम जगह, ओहो हो सही पर ओके ओ निकल रहा, ओहो हवा ऊपर इतनी शदीद थी कि प्रेशर की वजह से गिरने से बचने के लिए मुझे बार बार बैठना पड़ता था। वाकई मुझे लग रहा था कि मैं इस दुनिया के किसी हिस्से में नहीं बल्कि मार्स पे आ गया हूं। हाँ पाँव उसको क्रॉस करना है। अच्छा मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाएं और लोकल लोग आपको ज़रा सा भी गाइड करें तो उनको अपनी जेब से ज़रूर कुछ दिया करें ताकि यहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश हो और लोकल लोग इस इकोनॉमी में शामिल हो सकें। तो जनाब फाइनली 460 सीढ़ियाँ तो हैं ये वाली टाइल्स वाली, उसके बाद फिर आपने वो जो इधर से जाते हुए ऊपर जाना है तो वो भी आप लगा लें, कोई 100 कदम वो भी हैं तो आप समझ लें कि 550 सीढ़ियाँ टोटल, बट इट्स वर्थ इट, आना चाहिए ऊपर यार, देखने वाला सीन है कमाल।
मतलब आपको एक अलग दुनिया ही लगती है यार, जो ये जो सामने से व्यू नज़र आ रहा है ना इस वक्त। तो जी निकल पड़ा हूँ मैं फाइनली चंद्रकूप मड वॉल्केनो से। अच्छी जगह है यार। मुझे याद है कि अज़रबैजान में जब आप जाते हैं ना बाकू में, तो स्पेशली एक प्रॉपर एक ट्रिप होता है जिसमें वो आपको गोबुस्तान वैली में लेके जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसी है वो भी, इस तरह खुले खुले आपको मैदान नज़र आते हैं और उधर बहुत ही छोटे छोटे से मड वॉल्केनो हैं, इतने कि समझ लें कि मैक्सिमम 6-7 फीट, और जो कोई बहुत बड़ा भी हो ना वो मैक्सिमम भी 10-15 फीट। लेकिन ये जो मड वॉल्केनो है यार, ये तो अखीर ही है, अखीर ही है। मतलब आप समझ लें कि कम अज़ कम भी 550 सीढ़ी, 460 तो स्टेप्स इन्होंने बना दिए कंक्रीट के, और फिर उसके ऊपर मज़ीद आपने चढ़ना है तो आपको जो है मड वॉल्केनो पहुँचते हैं, और फिर अच्छा खासा है यार, अच्छा खासा। तो अब मैंने किधर जाना है कुछ समझ नहीं आ रही, खुला मैदान है। मेरा ख्याल है ये एक टायर के निशान बने हुए हैं, इसी को फॉलो करते जाते हैं। ये छोटा सा कट है, इनको चाहिए यहाँ पे ना एटलीस्ट कोई बोर्ड लगा दें कि भाई जान यहाँ से नीचे होना है। अब जिसको नहीं पता होता वो तो सीधा ही चला जाता है, मैं तो इसको बाईपास करके सीधा चला गया था। सो गाइज, आई होप आपको बलोचिस्तान सीरीज़ की पहली एपिसोड पसंद आई होगी। लाइक का बटन आपने दबाना नहीं भूलना, बिकॉज इससे चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, और जो मैं मेहनत करता हूँ वीडियो को बनाने में और एडिट करने में, और स्पेशली पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, तो आपके लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है। और सेकेंडली मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि विंटर्स में अपना बलोचिस्तान का ट्रिप ज़रूर प्लान करें। आप यकीन नहीं कर सकते, आपको एक ऐसा लैंडस्केप देखने को मिलेगा जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। नॉर्दर्न एरियाज़ के पहाड़ों का एक अपना मज़ा है, लेकिन जो मज़ा आपको इन सड़कों के ऊपर ड्राइव करते हुए लैंडस्केप देखने में आएगा वो बिल्कुल अनबयानेबल है।